एक बार फिर ट्रेन की बेपटरी करने की साजिश रची गई। इस बार रामपुर हल्द्वानी रूट पर नैनी शताब्दी एक्सप्रेस हादसे का शिकार होने से बच गई। रेलवे ट्रैक पर लोहे का खंभा रखा गया था, जिसे वक्त रहते लोको पायलट ने देख लिया और ट्रेन रोक दी गई। पहले कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने की साजिश, फिर गाजीपुर में रेलवे ट्रैक पर मिला लकड़ी का गुटखा, अब रामपुर हल्द्वानी लाइन पर ट्रेन हादसे की बड़ी साजिश। रामपुर हल्द्वानी रूट पर ट्रैक के ऊपर लोहे का खंभा मिलने से खड़कंप मच गया। रुद्रपुर रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की पटरी पर लोहे का खंभा रखा गया था। जिस वक्त ये खंभा रखा गया, उस वक्त नैनी जन शताब्दी एक्सप्रेस वहां से गुजर रही थी। बुधवार की रात 10:10 पर ट्रेन वहां से गुजर रही थी। अचानक लोको पायलट की नजर लोहे के खंभे पर पड़ी। ट्रैक पर लोहे के खंभे को देखकर उसने ट्रेन रोक दी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। लोको पायलट ने रेलवे अधिकारियों को इसकी खबर दी। रेलवे ट्रैक पर रखे गए लोहे के खंभे को हटाया गया, जिसके बाद ट्रेन रवाना हुई। मामले में जीआरपी ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। समय से गाड़ी के लोको पायलट ने उसको देख लिया, इमरजेंसी ब्रेक लगा करके ट्रेन को रोका, जिसकी वजह से कोई दुर्घटना नहीं हुई। तो सर इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है? हाँ, इसमें रामपुर थाने पर मुकदमा पंजीकृत हुआ 150 रेलवे अधिनियम के अंतर्गत, और मुकदमे की विवेचना की जा रही है। जल्दी हम इस घटना का पर्दाफाश करेंगे। रुद्रपुर रेलवे स्टेशन से करीब 1.5 किलोमीटर पहले लोहे का खंभा पड़ा था। बताया जा रहा है कि नैनी जन शताब्दी के ठीक पहले वहां से एक और ट्रेन गुजरी थी, लेकिन तब ऐसा मामला सामने नहीं आया था। इसके बाद लोहे के खंभे के मिलने को अधिकारी किसी बड़ी साजिश का हिस्सा मान रहे हैं। 9:38 पर काठगोदाम एक्सप्रेस पास हुई थी, जो रुद्रपुर से रामपुर की तरफ गई थी। उस समय ट्रैक बिल्कुल साफ था। इसका मतलब ये है लगभग 20 मिनट के अंतराल पर ये ट्रेन निकलने वाली थी, तो उसी के बीच में ट्रैक पर रखा गया। हाल के दिनों में ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश लगातार चल रही है। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को पटरी से उतारने के लिए गैस सिलेंडर को रखा गया था, साथ ही पेट्रोल की बोतल, माचिस और बारूद का डिब्बा बरामद किया गया था। वहीं गाजीपुर में लकड़ी का गुटखा रखकर ट्रेन को डिरेल करने की साजिश रची गई थी, और अब रुद्रपुर के पास जो तस्वीर सामने आई, उसने सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया है। मुरादाबाद से आकाश शर्मा के साथ सैयद आमिर, रामपुर जी मीडिया।